चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे पास अचीवर बाइक आई हुई है हीरो कंपनी की, जो ओल्ड मॉडल है 17-18 की, तो 150 cc है। और इसमें समस्या ये है, सेल्फ नहीं ले रही है। कभी कभी क्या होता है, इसको ठोंक के देखते हैं ऐसे करके तो ले लेती है, लेकिन इसमें नहीं ले रही। ठीक है, इसको अगर इन दोनों को तार को आपस में टच करेंगे तो स्टार्ट हो रही। ठीक है, इस और ये दोनों आपस में टच करेंगे, अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो आपका ये ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गई है, ये ख़राब होगी। ठीक है, और ये स्पार्क कंपनी थी, लोकल कंपनी का है, उसका ये पड़ा हुआ है, तो हमने इसको डायरेक्ट करके देखा। यहाँ ये जो रिले है, ये सेल्फ रिले है, और ये डायरेक्ट किया तब जाके स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये जो सेल्फ है ये भी ठीक है, जब ऐसे चेक किया तो ये ठीक है, और इसके बाद जैसे कभी कभी ये ठीक होता है, ये गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, उसके लिए इसको टेस्ट करते हैं। एक प्लस में लगाना है, ठीक है, ये, और एक माइनस में लगा दें आप कहीं भी। ठीक है, इसको मैं तार का, ठीक है, और अगर ये रिलीज ठीक है, ठीक है, सेल्फ गड़बड़ कर रहा है, तो ये यहाँ पे चलेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, इसमें नया रिले इंस्टॉल करेंगे, रिले ख़राब है। ठीक है, इसको और ये मैंने अभी निकाल के देखा था ये रिले को, जब मैंने चेक किया, ठीक है, तो इसमें कार्बन, ये देख रहे, इसमें पानी भर गया है, पानी भरने की वजह से ये अर्थिंग है, ये सब इसकी वजह से ये तार कतरे हुए हैं इसके, ये हल्के हल्के जो तार होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट से, वो ख़राब हो चुके हैं। अभी हम आपको दूसरा रिले इंस्टॉल करेंगे, ये लूमैक्स का है, ये अभी ये इंस्टॉल करते हैं। आप कह रहे होंगे कि मतलब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम इसको अभी स्टार्ट करके दिखा रहे हैं। डायरेक्ट स्टार्ट हो गई, ठीक है, यानी कि यहाँ तक करंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक करंट जा रहा है इसमें, लेकिन इसमें यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हम अभी इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, दिखा रहे हैं, ये जो बोल्ट हैं ये एलंकी वाले उसी के साथ आते हैं, ये भी नए हमने डाल दिए हैं। ठीक है, अब इसको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, नंबर 1 इसमें करंट आ रहा है, ठीक है, ये देखो, ये मतलब ये प्लस है, प्लस वाला यहाँ गया। ठीक है, आप यहाँ से तार ले सकते हैं, ठीक है, एक अर्थिंग लिया हमने, ठीक है, करंट अगर इसमें आ रहा है तो सेल्फ लेगा। ठीक है, देखिए अभी हम आपको लैंप जो है वो दिखा रहे हैं, तो फ्रेंड ये देखो, हमने इसको टेस्ट किया, ये टेस्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अर्थिंग सही से ले नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से करंट आ रहा है, जब यहाँ से करंट आएगा तो ये लैंप, जैसे ही यहाँ चटनी दबाएंगे तो अपने आप ये मोटर घूमेगा। ठीक है, जब करंट यहाँ तक पहुँचेगा तो अपने आप ये बल्ब जलेगा, और इसकी मदद से आप पूरी वायरिंग चेक कर सकते हैं। हम इसमें क्लीनर मार रहे हैं WD-40 वाला, ये इसकी वजह से और थोड़ा दिक्कत होता है। अब थोड़ा रेक माल लेके इसको साफ करके, ठीक है, ये और ये मतलब ये क्लीन हो गया और गाड़ी सेल्फ हो रही है। और हेल्प, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।